नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्वालियर स्टेशन के पास डीबी मॉल के सामने एक युवक पिट्ठू बैग लिए घूम रहा है। युवक के पिट्ठू बैग में स्मैक रखी हुई है, जिस पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक टीम गठित की और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो युवक के पिट्ठू बैग में 700 ग्राम स्मैक रखी हुई थी। पुलिस ने युवक से जब पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम गौरव राजपूत बताया, जो कि यूपी का रहने वाला है और स्मैक ग्वालियर में बेचने के लिए आया था। 700 ग्राम स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 70,000 रुपए। फिलहाल पुलिस ने स्मैक जब्त कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। हम लोग टीम लेके गए, टीम लगे घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके बैग से पिट्ठू टांगे हुए था, उस बैग में 700 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी कीमत करीबन 70,00,000 रुपये है। ये व्यक्ति यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इस संबंध में हम पता कर रहे हैं कि इसके पहले कभी इसके अपराध रिकॉर्ड रहा है, इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं कि ये यहाँ किस लिए आया था, किसको बेचने वाला था, और इसकी ये भी पता लगा रहे हैं इसका स्रोत कहाँ से लेके आता था। ये इस संबंध में पता लगा रहे हैं। इनपुट हेड संजय चिदाड़ की रिपोर्ट।